गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, आपकी बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, उसमें एक क्वेश्चन, परागण किसे कहते हैं या पर परागण क्या होता है या स्व परागण क्या होता है, इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन बच्चों आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में 19 में पूछा गया है, परागण क्या है, फिर 19 में ही पूछा गया था पर परागण क्या है, फिर 20 में पूछा गया है, 22 में पूछा गया है। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी आपकी बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों हम परागण बताने से पहले हम ये बताते हैं आपको कि पुष्प के कितने भाग होते हैं। तो बच्चों पुष्प के चार भाग होते हैं। पहला भाग होता है बाह्य दल, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कैलिक्स कहते हैं। दूसरा भाग होता है दल पुष्प का, जिसे हम करोला कहते हैं। तो पुष्प के चार भाग होते हैं बच्चों। एक भाग बाह्य दल होता है, दूसरा दल होता है, तीसरा पुंकेसर या इसे पुमंग कहते हैं, इंग्लिश में इसे कहते हैं एंड्रोसियम, और चौथा वाला भाग क्या होता है, स्त्री केसर या इसे हम क्या कहते हैं, या हम इसे चायांग, या हम इसे गाइनोसियम या पिस्टल कहते हैं। तो बच्चों पुष्प के चार भाग होते हैं। एक भाग होता है बाह्य दल, जिसे हम कैलिक्स कहते हैं। दूसरा दल या कोरोला होता है। तीसरा भाग पुंकेसर या एंड्रोसियम होता है। चौथा भाग स्त्री केसर या जायांग, जिसे हम गाइनोसियम कहते हैं। तो पुंकेसर किससे मिलकर बना होता है बच्चों? पुंकेसर जो होता है वो मिलके बना होता है एंथर एंथर और फिलामेंट से, एंथर और फिलामेंट से। और जबकि गाइनोसियम और पिस्टिल ये मिलके बना होता है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी से। तो बच्चों ये जो दो पार्ट होते हैं, बाह्य दल और दल, ये क्या होते हैं, ये एसेसरी पार्ट होते हैं पुष्प के। जबकि एंड्रोसियम और गाइनोसियम ये क्या होते हैं, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, मतलब ये रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं परागण क्या होता है। तो अभी हमने बताया पुंकेसर क्या है। पुंकेसर पुष्प का नर भाग होता है, और जो स्त्री केसर होता है या इसे हम जायांग कहते हैं, ये पुष्प का मादा भाग होता है। नर भाग से क्या निकलेगा? नर भाग से नर युग्मक उत्पन्न होते हैं, जबकि मादा भाग से मादा युग्मक उत्पन्न होते हैं। तो पुंकेसरों में क्या होता है बच्चों? पुंकेसरों ये पुष्प का नर भाग होता है, इसमें परागकणों का निर्माण होता है जो नर युग्मक बनाते हैं। अभी हमने बताया था नर भाग है तो नर युग्मक बनाएगा। जबकि स्त्री केसरों में क्या होता है? अंडाशय का निर्माण होता है। अभी हमने बताया इसका भाग स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी होती है, ओवरी को अंडाशय कहते हैं। इसमें क्या है, अंडाशय का निर्माण होता है, जिससे क्या होते हैं, जिससे मादा युग्मक उत्पन्न होते हैं। क्योंकि स्त्री केसर पुष्प का मादा भाग है, इसलिए इससे मादा युग्मक, या इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं फीमेल गैमेट्स उत्पन्न होते हैं। नर युग्मक को हम क्या कहते हैं, मेल गैमेट्स उत्पन्न होते हैं। तो प्रजनन की क्रिया के लिए या रिप्रोडक्शन को संपन्न करने के लिए हमारे लिए क्या जरूरी है बच्चों? हमारे पास नर और मादा युग्मकों का संयुग्मन, या इसे क्या कहते हैं, इसे फ्यूजन कहते हैं। तो इनका फ्यूजन जो होता है या संयुग्मन आवश्यक होता है, क्योंकि बच्चों जब मेल और फीमेल, ये मान लो मेल गैमेट्स है, ये फीमेल गैमेट्स, जब इनका फ्यूजन होता है तभी क्या होता है, तभी 2n का जाइगोट बनता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन।
तो फर्टिलाइजेशन या प्रजनन के लिए क्या जरूरी है? नर और मादा युग्मकों का संयुग्मन, या इसे हम कहते हैं इनका फ्यूजन, जरूरी है, क्योंकि जब नर और मादा युग्मक फ्यूज होंगे तभी ये क्या बनाते हैं, टू एन का एक जाइगोट बनाते हैं। फिर ये जाइगोट ही आगे चल के एम्ब्रियो में डेवलप होता है। लेकिन क्या होते हैं बच्चों, अधिकांश पौधों में क्या होता है, पराग कणों के संचालन का अभाव होता है, क्योंकि जब तक पराग कण फीमेल गैमेट से मिलेंगे नहीं या मादा युग्मक से मिलेंगे नहीं, तब तक उनका संयुग्मन नहीं हो पाएगा। तो क्या होता है, अधिकांश पौधों में जो पराग कण होते हैं ये इनके संचालन का अभाव होता है। इस कारण ये पराग कण क्या करते हैं, स्त्री केसर या जायांग तक पहुंचने के लिए इन्हें विभिन्न ढंग अपनाने पड़ते हैं, क्योंकि अगर ये विभिन्न ढंग नहीं अपनाएंगे तो ये स्त्री केसर या जायांग के पास तक नहीं पहुंच पाएंगे। जब तक नर युग्मक फीमेल युग्मक से नहीं मिलेगा तब तक संयुग्मन नहीं होगा। तो क्या होता है बच्चों, पराग कोश में बने पराग कण जो होते हैं उनको मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर जो पहुंचाने की घटना होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। तो परागण में क्या होता है कि पराग कोश में जो पराग कण बनते हैं उनको कहाँ पहुंचाया जाता है, मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर। इस घटना को ही क्या कहते हैं, इस घटना को ही परागण कहते हैं बच्चों, क्योंकि प्रजनन के लिए क्या चाहिए होगा, नर और मादा युग्मकों का संयुग्मन आवश्यक है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि परागण कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों परागण दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला परागण क्या है, स्वपरागण, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। और दूसरा क्या है, पर परागण, जिसे हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। और परागण को हम क्या कहते हैं, परागण का मतलब है पॉलिनेशन। तो परागण दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागण जिसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, पर परागण जिसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो स्वपरागण में क्या होता है बच्चों, एक पुष्प के पराग कण या तो उसी पुष्प के या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो ये स्वपरागण कहलाता है। आप देख रहे हैं ये एक पौधा है, इसमें जो पराग कण है इस पुष्प के कहाँ जा रहे हैं, इसी पौधे के दूसरे पुष्प पर जा रहे हैं या इसके पराग कण इसी पुष्प पे जा रहे हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, जब परागण की प्रक्रिया एक ही पौधे में होती है, बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि इस पुष्प के पराग कण क्या करें, या तो उसी पुष्प के या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाएं, तो ये क्या कहलाता है बच्चों, ये स्वपरागण कहलाता है। दूसरा क्या है, पर परागण। तो पर परागण किसे कहते हैं, इसमें जो एक पुष्प के पराग कण होते हैं वो कहाँ जाते हैं, उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पे जो दोनों पुष्प होते हैं दो अलग अलग पौधे पर उपस्थित होते हैं, चाहे वो एक लिंगी पौधा हो या द्विलिंगी पौधा हो। एक लिंगी का मतलब यूनिसेक्सुअल, द्विलिंगी का मतलब चाहे वो बाईसेक्सुअल हो। तो स्वपरागण में क्या होता है, जो पुष्प के पराग कण है, मान लो हमारे पास एक पुष्प है किसी पौधे में लगा हुआ, तो उसके पराग कण या तो उसी पुष्प के या उस पौधे में जो और फूल लगे होते हैं किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो वे स्वपरागण कहलाता है। मतलब इसमें परागण की जो प्रक्रिया हो रही है एक ही पौधे के अंदर होती है स्वपरागण में,
लेकिन जो पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन होता है, इसमें क्या होता है, एक पुष्प के परागकण कहाँ जाते हैं, पौधा दूसरा होना चाहिए लेकिन उसी जाति का होना चाहिए तो दूसरे पौधे पर, लेकिन वो उसी जात क्या हो, उसके पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर दोनों पुष्प क्या होते हैं, अभी हमने बताया उसी जाति का दूसरा पौधा हो तो अलग अलग पौधे पर उपस्थित होते हैं, चाहे वो एकलिंगी पौधा हो या यूनिसेक्सुअल या द्विलिंगी बाईसेक्सुअल पौधा हो। तो आप ये डायग्राम में देख रहे हैं पर परागण, इसमें एक पुष्प के परागकण कहाँ आ रहे हैं, किसी दूसरे पुष्प के परागकण पे आ रहे हैं, और दोनों पौधे अलग अलग हैं लेकिन पौधों की जाति आप देख रहे हैं सेम है, दोनों पौधे के फूल एक जैसे हैं, दोनों सेम पौधे हैं, बस क्या है कि पुष्प के परागकण दूसरे पौधे के उसी जाति के पुष्प पे आ रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो बच्चों पर परागण का मुख्य लक्षण क्या है कि इसमें बीज उत्पन्न करने के लिए एक ही जाति के दो पौधे भाग लेते हैं। अभी हमने बताया कि जाति एक ही होनी चाहिए लेकिन पौधे दो होने चाहिए। द्विछयक पौधों या डायोसियस प्लांट के पुष्पों में क्या होता है, केवल पर परागण ही संभव होता है। तो डायोसियस का मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब होता है यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल प्लांट मतलब इसमें या तो मेल पार्ट होगा या फीमेल पार्ट होगा। यूनिसेक्सुअल का मतलब ये पौधा या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वाला होगा या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वाला होगा। तो जो पौधे डायोसियस प्लांट वाले या हमने कह सकते हैं यूनिसेक्सुअल, उसमें ही क्या होता है, उसमें ही केवल पर परागण संभव होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक पुष्प के परागण उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं। तो बच्चों चलिए हम देख लेते हैं कि पर परागण से लाभ क्या होता है। तो पर परागण से जो फल बनते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, बहुत भारी होते हैं, स्वादिष्ट होते हैं, इसमें बीजों की संख्या बहुत अधिक होती है, और पर परागण से जो उत्पन्न बीज होते हैं वो भारी होते हैं, स्वस्थ होते हैं और अच्छी नस्ल वाले होते हैं, जिससे उपज बढ़ जाती है, क्योंकि वो सेम पौधे पे नहीं उत्पन्न होते हैं, उसी जाति के किसी दूसरे पौधे पर उत्पन्न होते हैं, इसलिए वो अच्छी नस्ल वाले होते हैं, जिससे उपज क्या होती है, बढ़ जाती है बच्चों। और परागकण के द्वारा क्या होता है, रोग अवरोधक नई जातियां हम लोग तैयार करते हैं पर परागण के द्वारा। तो बच्चों इस तरीके से आज आपने पढ़ा कि परागण क्या होता है, स्वपरागण या पर परागण से आप क्या समझते हो। यदि आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप उसे हमें कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। धन्यवाद।